सर हमारी कुछ मांगे हैं, जो कि ये मांगे हमारे बैंक के निजी बैंक के रोकने जाए और सामाजिक क्षेत्र के बैंक के डेस्ट किया जाए, विशाल कंप्लेशन एनपीए को वसूली करें और निम्न बैंक के कार्य के ऑपरेशन रोके जाएं, बैंक में परिवर्तन भर्तियां की जाएं, बैंक कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की जाए, सरकारी बैंक कर्मचारी सहित हित बैंकों कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की जुड़ी पेंशन, सरकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण को बैंकों को पुनः सशक्त बनाए करने के लिए रिक्वेस्ट किया जाए। और एम पी ए जो जैसे हमारे बड़े खाते एम पी ए उनका जो है मतलब जो उसका बड़े खातेदारों को वसूली करवाए उनके लिए। राज्य सरकार ने 6 महीने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी सामना नहीं किया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सर ये है कि राज्य सरकार ने वो अपनी जो मतलब स्टेट यूनियन के लिए बोले हैं, ये हटा नहीं है, हम सेंट्रल यूनियन के लिए हैं, स्टेट यूनियन के नहीं, इसलिए हम लोग हटा विनय कुमार उसकी एजीएस सीतापुर इंडियन बैंक। ये हमारे लोगों के देश स्तर पर 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। पर्याप्त समय पर नोटिस दी गई प्रशासन के सामने और 14 सूत्रों में प्रमुख मांगे जो है, मुख्य जो इस समय ज्वलंत प्रश्न है कि जो वो नई पेंशन जो एनपीएस लागू की गई है उसको जो है पुरानी पेंशन के रूप में परिवर्तित किया जाए। देखा यह गया है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है ये सामाजिकता और जो ताना बाना को लेकर के बनाई गई थी, और ये कर्मचारी का जब भर्ती होता है तो उसका प्रथम कर्तव्य होता है सरकार को, उसने वर्षों पूर्व हनन कर दिया गया। दूसरा, हमारे कर्मचारी जो है मृतक हो जाते हैं, अन्य राज्य सरकारों में देखा गया है कि उनकी 100% भर्ती की सुनिश्चित की जाती है। हमारा जो 5% जो कोटा सीलिंग लगाई गई है इसके लिए हम लोग भी कर रहे हैं। धीरे धीरे रेलवे है, पोस्टल है, उसको प्राइवेटीकरण करने की वो सरकार अग्रसर है, जबकि देखा गया है कि कोरोना पीरियड में पूरे सरकारी कर्मचारियों ने, चाहे डाक विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो, सभी पूरा कार्य काम किया। प्राइवेटीकरण को बंद करने के लिए भी हमारे लिए हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। इसी तरह से जो है कई ग्रुप में हमारे करीब 7 लाख पोस्टल सरकारी केंद्र सरकार की नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, उनको जो है भरने के लिए हम लोग तत्पर हैं। हमारा कर्मचारी जूझा जा रहा है। कुछ सर्विसें हमारे यहाँ की जो पोस्टल सर्विसें हैं उनको जो है टारगेट बना के काम किया जाता है, जबकि पब्लिक के बीच में इतना काम नहीं होता है। कर्मचारी उससे हरे से दबाव में प्रेस में है जो क्षमतापूर्वक कार्य कर सके। और हमारी जो हड़ताल के लिए भी, हड़ताल करने के लिए प्रतिबंध लगाया गया था, उसके लिए भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। शेष हमारे जो है, हमारे प्रदेश के सचिव श्री धीरज शुक्ल जी जो है आपके सामने जो है प्रहर आपसे प्रकाश में डालेंगे। मिस्टर धीरज शुक्ल, मैं गोपेश्वर मिश्र, जिला सचिव अखिल भारतीय कर्मचारी संघ तृतीय सीतापुर। अभी हम लोग आज हड़ताल पे हैं। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय इतिहास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सबको समानता का अधिकार दिया है। अभी जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो उनकी संख्या कम हो गई है, और जितने नए लोग हैं उन लोगों को किसी को भी एनपीएस का लाभ, एनपीएस से कोई लाभ नहीं होने वाला है, जिसके लिए ओपीएस की मांग की जा रही है। जो पुराने, जो नए कर्मचारी अभी रिटायर हो रहे हैं, जिनको लास्ट में अपॉइंटमेंट लेट में हुआ, उनको 1000 रुपये 1500 रुपये का पेंशन मिला, जबकि पे कमीशन में सरकार खुद कहती है 9000 रुपये मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। उससे भी सरकार अपनी बातों को ही दो तरफा बातें हो रही हैं। FR 56J के तहत लोगों को कंपलसरी रिटायर किया जा रहा है। 50 साल 55 साल की उम्र में उन लोगों को जबरदस्ती प्रेशर देकर के, मेंटली हैरेस करके उनको रिटायर किया जा रहा है कंपलसरी। अलग अलग नियम कानून के तहत प्रशासन उनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। जो बेसिक हमारे यहाँ जिसकी परिवार की जो भी जरूरतें उनको नजरअंदाज करके ये सब कार्य किए जा रहे हैं, जिनका पूरी तरीके से विरोध किया जा रहा है। और इस तरीके के जो प्रशासनिक तानाशाही है उसके खिलाफ पूरा कर्मचारी संघ, पूरा एनएसपी, ऑल इंडिया, हम सारे कर्मचारी, इसमें बैंकों ने भी हमारा साथ दिया है, और जो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी चीजें हैं चल रही हैं उसका पूरा कर्मचारी यूनियन पूरा विरोध करते हैं। और हम अब आखिरी दम तक अपनी बातें मनवाएंगे और हम आखिरी दम तक अपनी इन हड़ताल पे जारी रहेंगे। सरकार जो कह रही है कि आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके बारे में क्या कहेंगे?
आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देकर के आप क्या कर रहे हैं? जो पद खाली है उनके पद भरिए ना। एक व्यक्ति अगर नौकरी पाता है वो अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा दे सकता है, ये तो लेबर बनाया जा रहा है। अगर आपको 5,000 रुपए दिए जाएंगे तो आप सिर्फ अपनी रोजी रोटी में ही लगे रहेंगे, आप किसी चीज आप ना अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, ना अच्छी शिक्षा पा सकते हैं, ना अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। इस आउटसोर्सिंग से क्या लाभ है? इससे सिर्फ बड़े बड़े ठेकेदारों को, निजीकरण वाली कंपनियों को फायदा होगा। कर्मचारियों का हित कहाँ रहेगा? सरकार का हित कहाँ रहेगा? यहाँ पे एक कर्मचारी आता है उसकी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स रहती है, उसको हमेशा उसका उत्तरदायित्व तो दिया जाता है कि आपने कार्य किया है। आउटसोर्सिंग में क्या होगा? आज है कर्मचारी कल नहीं, फ्रॉड होंगे उसमें भी, बाकी जो कर्मचारी उनको लिप्त किया जाएगा। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। जो पद है उनको भरा जाए ताकि काम को सुचारू रूप से चलाया जा सके। धीरज शुक्ला, प्रांतीय सचिव, SBCO।